तो हमारे कोर्स का हमने स्टार्ट किया सीसीएनपी स्विच का, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेटवर्क डिजाइन को, मीन के लैंड डिजाइन को, क्योंकि हम लैंड पढ़ रहे हैं, स्विचिंग लैंड के ऊपर बेस करते सारी। तो हमारा जो मीन के हम बेसिकली पढ़ने लगे हैं वो है हायरार्किकल, सॉरी लैंड डिजाइन मॉडल, लैंड डिजाइन मॉडल, ठीक है जी। ठीक है। इतना से डिजाइन मॉडल। अच्छा ये जो कि हमारे पास कैंपस लैन होता है ना, कैंपस नेटवर्क का लैन, वो हायरार्किकल डिजाइन मॉडल को यूज करता है, क्योंकि हमारे पास जो सा ये क्या होता है कि कैंपस जो सा कैंपस नेटवर्क हमें ना हायरार्किकल लैंड डिजाइन का मतलब कि हम लेयर्स के डिफरेंट लेयर्स के ऊपर हम वो इसको बुक कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लाइक ये वो वाली लेयर नहीं है जो हमने OSI में पढ़ी थी, ये डिजाइन के हिसाब से लेयर है, अच्छा जिससे हमें कन्फिगर करना नेटवर्क को वो ईजी हो जाता है, उसकी डिप्लॉयमेंट करना, उसको मैनेजमेंट करना नेटवर्क को ईजी हो जाता है, जो हम लेयर करते हैं, ठीक है जी। जी, ठीक है। अब जो होता है ना हमारा पुराना जो डिजाइन था, मीन के ये हायरार्किकल लैंड डिजाइन मॉडल जो ये अभी नया डिजाइन है, जो पुराना डिजाइन था ना उसके अंदर क्या होता था कि इसके अंदर ना हम हर पार्ट का मीन के हर एक मेरे पास नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को अलग अलग में करता हूँ, हर किसी के लेयर्स बना रहता हूँ, हर नेटवर्क के काम को अलग पार्ट बना रहता हूँ, एक डिजाइन के जी पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहले वैसा उसमें पार्ट नहीं थे बनाते, उसमें सब कुछ एक ही में करते थे, तो उसमें क्या होता अगर किसी एक में चेंजिंग आई है तो मैं उसमें करूंगा, या फुल मैश डिजाइन या ऐसे जो डिजाइन होते थे वो जी पूरे के पूरे, अगर गलती होगी तो पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर वो फिर गलती वो असर उसका जाता था उस गलती का, तो ट्रबल शूट करना मुश्किल हो जाता था। इसमें क्या होता है मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया नेटवर्क को, तो अगर किसी एक पार्ट में गलती आती है उसके अंदर मैं चेंजिंग करता हूँ तो उसका जो इफेक्ट है वो उसी पार्ट के अंदर ही जाएगा, पूरे नेटवर्क के डिजाइन में नहीं जाएगा। इस वजह से हमने जो हायरार्किकल लैंड डिजाइन मॉडल के अंदर पार्ट लेयर्स बना दी। अब इसके अंदर तीन लेयर्स होती हैं, जो मेरे पास हायरार्किकल लैंड डिजाइन जो है ना इसके अंदर तीन लेयर हैं। जो पहली लेयर है हमारे पास वो है एक्सेस लेयर, एक्सेस लेयर जो एक्सेस लेयर है ये एंड पॉइंट्स के लिए, यूजर्स के लिए डायरेक्ट एक्सेस जो नेटवर्क के ऊपर होते हैं, मेरे पास यूजर्स लगे हुए हैं सारे, लाइक मेरे पास वायरलेस मोडम लगे हैं, लाइक एपी लगे हुए हैं नेटवर्क के ऊपर, या समझ लें कि मेरे पास प्रिंटर है, ये जो यूजर्स हैं ये जिन स्विचेस के साथ कनेक्ट होते हैं उन्हें जी हम कहते हैं एक्सेस लेयर, ठीक है जी। उसके अंदर जो स्विचेस लगे हैं ना उस लेयर के ऊपर वो क्या है एक्सेस लेयर के अंदर स्विच आते हैं, ठीक है जी। जी ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है, पहले क्या होता था कि इकट्ठे एक ही मिन को हो जाए एक्सेस स्विच के साथ वो यूजर कनेक्ट हो जाए और एक्सेस जी स्विच ही इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते थे, ठीक अच्छा है जी। अब हमने क्या किया एक्सेस लेयर के ऊपर सिर्फ यूजर रखे, ठीक है। यूजर जिन स्विचेस के साथ कनेक्ट होंगे वो एक्सेस लेयर में होंगे। उसके बाद एक्सेस लेयर डायरेक्ट इंटरनेट में नहीं जाएंगे, वो किधर जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, अच्छा ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करती है ये एक्सेस लेयर को ऊपर इंटरनेट पे भेजती है, एक्सेस लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन पे जो स्विच होते हैं वो एक्सेस लेयर को आगे डील करते हैं, ठीक है जी। ठीक है। हमारे जो राउटिंग वगैरह ये सारी चीजें नेटवर्क इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे किया जाता है, होते इधर भी स्विच ही है। जी उसके बाद हमारे पास मेन आती है कोर लेयर, कोर लेयर हमें करती है बैकबोन के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, लाइक ये हमें इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास क्या होता है कोर लेयर आती है, समझे इस चीज की, इंटरनेट की इंटरनेट के कनेक्ट। साथ इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए हम फिर करते हैं इनका पहले कोर लेयर, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एक्सेस। ठीक इनके है। अगर मैं इसका थोड़ा सा बना के अगर आपको मैं इसकी टोपोलॉजी बनाकर दिखाऊं तो समझे ये मेरे पास है दो स्विच है, ठीक है जी, जी ये क्या है कोर लेयर पे है, ठीक है जी। अच्छा अब जी। नीचे मेरे पास क्या आ गए तीन स्विच आ गए, ये समझे कि मेरे पास क्या है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है। कोर लेयर क्या होगी पीछे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी, ये कोर लेयर जोन सी जी ठीक है। आगे ये कनेक्ट होंगी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ दोनों, क्योंकि रिडंडेंसी देनी है ना ताकि एक डाउन हो तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाए, जी तो ये इस तरह से। ठीक।
इस तरह से कनेक्ट होंगे दोनों, समझ आई? ये जी क्या डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जी हमारे पास क्या आती है, एक्सेस लेयर। ठीक है इस तरह से नीचे एंड यूजर हमारे जोन से वो एक्सेस के साथ कनेक्ट होंगे, लाइक ये इस तरह से, समझ आई? और फिर इसके नीचे हमारे क्या आएंगे, यूजर्स आएंगे अच्छा अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग यूजर। समझे कि वायरलेस राउटर आ गया यहाँ पर, जो यूजर्स आ गए, प्रिंटर आ गया, जो मिल के जितने पूरे पूरे डिपार्टमेंट के जो यूजर हैं, समझे कि 100-150 यूजर हैं, या 1000 यूजर हैं, या 2000 यूजर, वो नीचे इधर आएगा। और ये क्या मेरे पास है, एक्सेस लेयर है। जी इसमें क्या होगा, हर चीज को मैनेज करना आसान है। अगर ऊपर कोर के साथ में नीचे सारे यूजर कनेक्ट कर देता, अगर जी कोर जाती, कोर डाउन होती, तो यूजर सारे डाउन हो जाते। जी या अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन के साथ यूजर कनेक्ट कर देता, डिस्ट्रीब्यूशन एक जाते, सारे यूजर डाउन हो जाते। अब क्या, इनमें से अगर कोई भी एक डाउन होता, तो मेरे मुझे वो चीज नहीं है, दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। और मुझे इसको मैनेज करना भी आसान है, इसको कन्फिगर करना भी आसान है, कि पूरा गंद नहीं पड़ा हुआ। पहले एक्सेस को कोर को कन्फिगर करूंगा, उसके इंटरनेट दे दिया। अब कोर के काम क्या है, इंटरनेट आगे देना मेरा। जी फिर से मैं एक्सेस कन्फिगर करूंगा, एक्सेस में क्या लगाऊंगा, नीचे यूजर्स होंगे, एक्सेस का काम। अगर कोई यूजर में मसला है, तो एक्सेस में देखना पड़ेगा मुझे, वो डिस्ट्रीब्यूशन या कोर के ऊपर जाकर कोई चीज नहीं करनी पड़ेगी। होता यह है कि समझिए, अगर मैं इसको कोर पे हाँ लगाता हूँ और मसला किसी यूजर का आता है, और मैं इसको ट्रबल शूट करते हुए किसी ना कोई कोई गलत कमांड देता हूँ, जिससे क्या होता है, इंटरनेट बंद हो जाता है। तो मसला कुछ था अच्छा और उसका इफेक्ट किधर हो रहा आ गया। इस वजह से फिर हमने तीन हाँ लेयर बना दी। अगर इधर यूजर का मसला आता है, अगर मैं कोई यहाँ पर कोई गलत भी कमांड दे दूंगा, तो वो उसका इफेक्ट सिर्फ इधर ही होगा, ऊपर इंटरनेट पे, क्योंकि वो दूसरा स्विच चल रहा है। हाँ जी ठीक है समझे इस चीज की। हाँ समझ गई और डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है वो एक्सेस और कोर को, जोन साहब आपस में इसकी कनेक्टिविटी करवा रही है, राउटिंग वगैरह वगैरह सारी जोन साहब वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है। समझे इस चीज की। जी ठीक अगर है मैं इसको थोड़ा सा और बताऊं, तो दो एक्सेस लेयर है। यह करती है यूजर्स कंट्रोल, जहाँ पे यूजर्स कंट्रोल डिवाइसेस होती है, वहां पर लगती है, जहाँ पर यूजर्स होते हैं। मीन इसको यूजर एक्सेसिबल डिवाइस भी कहते हैं, या इसको एक्सेस लेयर अच्छा एक्सेसिबल, जो एक्सेस लेयर है मेरे पास, जो एंड वाली है, ये शुरू वाली, ये जो जी एक्सेस लेयर है, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। इसको एंड पॉइंट ठीक डिवाइसेस भी के लिए भी यूज किया, मीन के कनेक्टेड की जाती है नेटवर्क के जरिए। मीन के एंड पॉइंट डिवाइसेस है ना, हमारे पास पीसी एंड पॉइंट डिवाइसेस होती है, हाँ तो ये इनको कनेक्ट किया जाता है एक्सेस लेयर के ऊपर। और एक्सेस लेयर वायर्ड और वायरलेस दोनों की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। वायर्ड का अच्छा मतलब ये है कि मैंने ये यूजर जोन से, समझे कि ये मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किए हुए हैं स्विच के साथ, ठीक है जी। वायरलेस का जी मतलब ये है कि यहाँ पर मैं एक वायरलेस मोडम लगाता हूँ एपी, और फिर ये यूजर वाईफाई से इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, समझा इस चीज की। जी जी तो ठीक है ये वायर्ड और वायरलेस दोनों की कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करती जी ठीक है है, ठीक है जी। हाँ और जी ये वही जगह, यहाँ पर ही हमें सिक्योरिटी वगैरह चीजें देखी जाती हैं एक्सेस लेयर के ऊपर। हाँ अच्छा यहाँ पे सिक्योरिटी जी, वगैरह सारी चीजें मेरे यहाँ पर देखी जाती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, वॉइस, यहाँ पर आईपी फोन हमारे होते हैं, जो फोन वगैरह भी इधर ही कनेक्ट किए जाते हैं, समझे अच्छा इस चीज की। जी ठीक है इनके ये समझे एक बहुत ज्यादा पार्ट है हमारे पास डिजाइन का, लैंड डिजाइन का, जिसके ऊपर ज्यादा डिवाइसेस होती हैं, जी समझे इस चीज की। हाँ समझ गई इनके इसके ऊपर हम सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस ये होता है कि मेरे पास एक फोन है और एक डाटा जा रहा है, मैंने जी एक ईमेल की, ठीक है जी जी, और एक साथ ही मैंने एक फोन किया उसी हाँ नेटवर्क जी पे। तो आप बताएं, प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए, फोन कॉल को या ईमेल वाले को? फोन कॉल फोन को मिलनी चाहिए ना। अगर फोन लेट होगा, पहले ईमेल जाएगी तो मेरी आवाज कटेगी, लेट जाएगी, जी तो इसलिए हम फिर वहां पर क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट का नाम है क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो कि वॉइस की ट्रैफिक को पहले भेजता है और बाकी ट्रैफिक जो क्यू में लगा रहता है, जब वॉइस चली जाती है फिर बाकी पीछे उसके जाती है। अच्छा तो क्वालिटी ऑफ सर्विस हो गया, पावर ओवर इथरनेट हो गया, सीडीपी हो गया, एपी वायरलेस पॉइंट, इनके आईपी फोन्स, ये सारी चीजें हमारी एक्सेस लेयर पे की जाती है, ठीक समझाइए इस चीज की। जी या नहीं आई, हाँ सर समझ गई ठीक अच्छी बात। उसके बाद भी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, ठीक है ठीक है जी। ये हमें करती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर करती है, यहाँ पर नेटवर्किंग होती है, अच्छा मेरे लैन जो कोर की नेटवर्किंग, उसे एक्सेस पे पहुंचाया जाता है, जो आईपी वगैरह चीजें हैं, समझे इस चीज की।
जी कोर पे पहुंचाते हाँ हैं जी, जी। मीन के इस तरह इसका सिंपल समझे कि ये एक्सेस लेयर वालों को, मीन के जो यूजर्स हैं उनको इंटरनेट पे पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन काम करती है, हाँ ठीक है ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है, समझ लें कि एग्रीगेट करती है इन चीजों को, समझे इस चीज की। तो जी। इसका काम का ये है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के यहाँ पर प्रोवाइड, इनके जो राउटिंग हमारी है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे की जाती है, पैकेट मैनिपुलेशन जो होती है जिस तरह की भी हो वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे की जाती है, समझा इस हाँ चीज की। ये समझ लें कि राउटिंग बाउंड्री है कोर और एक्सेस के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छा ठीक है और यहाँ पर भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, लोड बैलेंसिंग और क्वालिटी ऑफ सर्विस दोनों यहाँ पर कन्फिगर की जाती है, लोड बैलेंसिंग भी यहाँ पर कन्फिगर की जाती है। लाइक यहाँ से ट्रैफिक आ रही है, लाइक जी ये यूजर अपनी ट्रैफिक सेंड कर रहा है तो वो जी देखेगा कोर, कौन सी कोर पे सेंड करूँ, इस वाली कोर पे सेंड करूँ या इस वाली कोर पे सेंड करूँ, जिस कोर के ऊपर लोड कम होगा वो उस कोर के ऊपर सेंड कर देगा। तो लोड अच्छा बैलेंसिंग इस चीज को कहते हैं, लोड बैलेंसिंग और क्वालिटी ऑफ सर्विस ये जो है पर कंफिगर किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, समझा इस ठीक है चीज जी की। उसके ठीक है बाद जी कोर लेयर, कोर लेयर क्या है, हाई स्पीड बैकबोन है, समझेंगे एक तरह से कैंपस कनेक्टिविटी के लिए, ये समझे कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है उसको रास्ता दे रही है ऊपर जाने का, ये समझे कि किस लिए डिजाइन की गई है, पैकेट को स्विच करने के लिए, ताकि कम से कम प्रोसेसिंग यूज करते हुए फास्ट प्रोसेसिंग की जाए, फास्ट मीन के कम्युनिकेशन की जाए कोर लेयर के ऊपर, समझे इस चीज की। मीन ठीक के कोर लेयर के बगैर अगर हम काम करें तो हमारा फिर नेटवर्क फुली मैश्ड हो जाएगा, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ इस चीज का भी। कोर तो मेन चीज होगी लेकिन वो कोर मेन चीज होती है, जो हाँ जी, इसलिए इसका नाम कोर है क्योंकि इंटरनेट उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, जी ठीक है अगर कोर हम नहीं कनेक्ट करते, समझे कोर मैं नहीं कनेक्ट करता तो जी फिर हमारा क्या बनता है डिजाइन, मैं एक दफा आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कोर के बगैर मेरे डिजाइन की शक्ल क्या आती है और कोर के साथ मेरे डिजाइन की शक्ल क्या आती है, और फिर आपने बताना कि कौन सा ज्यादा ऐसा है। मैं कोर के साथ पहले बनाता हूँ, समझे कि इस तरह से ये मैंने जो डिजाइन बनाया जी ये समझे कि ये मेरी कोर है, ठीक है जी, जी और ये समझे कि मेरे पास है एक्सेस स्विचेस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कोर के साथ कनेक्ट, समझे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अब कैसे कनेक्ट होंगे ऐसे, जी जी और ऐसे, और ये इस तरह से होंगे, ये कोर है। अब यहां से एक भी डाउन होता है तो वो क्या करना पड़ेगा, मुझे कोर कन्फिगर करनी पड़ेगी, कोर के ऊपर ये तीनों कन्फिगर करने पड़ेंगे, एक ये वाला डिजाइन है ये देख लिया आपने, क्या जी अच्छी बात है। अब मैं इसको थोड़ा मिटाकर एक मैं कोर के बगैर डिजाइन बनाता हूँ जो कि हमारा पुराना डिजाइन होता था फुल मैश, ठीक है, जिसके अंदर कोर नहीं है, ये कोर के बगैर डिजाइन बस इसमें वो है डिस्ट्रीब्यूशन और है, डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे से एक्सेस है, और इसके बाद ये जी अब बताइए यहाँ पर गंद ज्यादा नहीं हो गया, हाँ जी यहाँ पर हर चीज में अलग अलग, मिलकर ये वाला बेहतर है या ये वाला बेहतर है, कोर जी वो पहला वाला वाला बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक चीज भी डाउन होती है तो वो काम खराब होगा, हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन डाउन होती है कोर एक डाउन होती है तो वो दूसरी से ट्रैफिक शिफ्ट कर देगा, समझे जी ठीक है इस चीज की। हाँ समझ गई ये हमारे पास टोपोलॉजी है कि विदाउट कोर और कोर का कितना मिलकर बेनिफिट है ये आपको बताते हुए बता रहा हूँ। अब हमारे पास एंटरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चर में जो ऑप्शन है, हमारे पास मल्टीपल डिजाइनिंग ऑप्शन है आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर, जो एक कैंपस अच्छा नेटवर्क डिजाइन हम कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर हम किसी को डिजाइन कब देते हैं, डिपेंड करता है कि साइज क्या है नेटवर्क का, समझे इस चीज की, अवेलेबिलिटी कितनी, हमने जो चीजें माइंड में रखनी होती है, अवेलेबिलिटी, रेजिलेंसी, जी अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी, ये सारी चीजें देखते हुए हम कोई इनके डिजाइन प्रोवाइड करते हैं किसी का, किसी को। तो हमारे अच्छा पास अभी मेन दो तरह के डिजाइन है, ठीक है जी, जी ये एक पार्ट्स वाला नहीं, ये तो हमारे पास लेयर थी ना, ये तो मैंने आपको लेयर बताई कोर और एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन, डिजाइन अच्छा हमारे पास दो तरह के, कौन अच्छा ठीक सा, है पहला मेरे पास टू टीयर डिजाइन, अच्छा हर डिजाइन में ये पार्ट्स होंगे हाँ जी, लेयर ये पार्ट्स होंगे, ये अभी आगे चल के बताता हूँ, अभी देखे जाए टू टीयर डिजाइन जो कि पुराना डिजाइन है,
अभी ये नहीं यूज होते, इसको कहते हैं कोलैप्स नेटवर्क भी, इसको कहते हैं अच्छा कोलैप्स्ड कोर, इसको कोलैप्स्ड कोर भी कहा जाता है। और जो दूसरा हमारे पास डिजाइन है वो है 3 टीयर डिजाइन। थ्री टीयर समझ आ गया होगा, इसमें 3 लेयर हैं, कोर जी, एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, उसमें 2 लेयर। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ कि दो में क्या फर्क है, 3 लेयर डिजाइन। जब 2 टीयर डिजाइन में क्या होता है कि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ही मेन चीज होती है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर प्रोवाइड करती है कनेक्टिविटी नेटवर्क को भी, और उसका डाटा सर्वर रूम के हर चीज में वहां पर वही, इनके मेन लेयर डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है, वहां पर कोर का कोई इश्यू नहीं होता। समझे इस चीज की? अरे टू वाली में मेन टू वाले में जो 2 टीयर डिजाइन है उसके अंदर, बोलते हैं। तो उसके ठीक अंदर कोर नहीं होती, समझेंगे। है, हाँ ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन ही जो है इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट हो रही है, और आपकी लैन की कनेक्टिविटी भी दे रही है, और लेयर 3 एग्रीगेशन भी दे रही है, ये सारी चीजें का दे रही है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ही दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छी कंसीडर करने वाली है कि फिजिकली हमारे पास यहाँ पर जो कोर का प्राइमरी काम क्या होता है, कोर हमें आइसोलेशन प्रोवाइड कर देती है किसके साथ, इंटरनेट के ऊपर। जब कोर अलग होगी इंटरनेट के साथ, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ही सब कुछ कर रही है, जी जिसको फिर क्या होना, कोर मतलब कन्फिगर करना, चीजें करना, ये मुश्किल चीज होती है। समझे जी इस चीज की? जी मतलब कोर लेयर का अगर मैं जो 2 टीयर का अगर मैं आपको डिजाइन बनाकर दिखाऊं, तो उसमें क्या होगा, 2 टीयर में समझे कि मैं छोटा सा डिजाइन बनाता, समझे कि ये मेरे पास आ गई डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका हम कोलैप्स्ड कोर कहते हैं, और ये कनेक्टेड किसके साथ है, वैन इंटरनेट के साथ, ठीक है जी। और अब जो मेरा वायरलेस कंट्रोलर है ना, वो भी इसके ऊपर कनेक्ट होगा, अच्छा वायरलेस कंट्रोलर मिलकर जो कंट्रोल करता है नेटवर्क को, जी, एक मैं बता रहा हूँ। और नीचे क्या आ जाएगा, एक्सेस, एक्सेस आ गया, एक्सेस ये क्या आ गया नीचे, वाइड यूजर आ गया, और ये समझेंगे मेरे पास आगे वायरलेस एपी कनेक्ट हो गया, और ये एक मेरे पास मशीन वायरलेस इसके साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मसला आता है, यहाँ पर एक्सेस में कोई मसला आता है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मसला आता है, यहाँ पर मैं कोई चेंजिंग करता हूँ, लाइक इसका कोई एक्सेस का मसला आता है, और मेरे से गलती से कमांड दी जाती है इंटरनेट बंद करने की, फैन तो जी पूरा का पूरा नेटवर्क गया। तो हाँ जी, ये नुकसान है 2 टीयर डिजाइन का, समझे इस चीज की? ठीक है, अब 3 टीयर डिजाइन वो लार्जर लैंड डिजाइन के लिए किया जाता है, 3 टीयर डिजाइन बड़ा नेटवर्क, छोटा नेटवर्क हो तो आप 2 टीयर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा नेटवर्क हो जिसके अंदर डिवाइसेस ज्यादा है, चीजें ज्यादा है, कनेक्टिविटी, फिर वहां पर हमें 3 लेयर डिजाइन बनाया जाता है, समझे इस चीज की? जी ठीक है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को अलग लगाया जाता है, कोर को अलग लगाया जाता है, और चीजों को अलग लगाया जाता है, वो हमें 3 टीयर डिजाइन वहां पर मोस्टली कन्वे करते हैं, जहां पर मल्टीपल ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, और वो आपस में क्लोज हैं, टुगेदर हैं, कनेक्टेड हैं, तो हम वहां पर भी 3 टीयर डिजाइन को रिकमेंड करते हैं। लाइक हॉस्पिटल का नेटवर्क ले लें, या यूनिवर्सिटी का नेटवर्क ले लें, या किसी लार्ज इंटरप्राइजेस का नेटवर्क ले लें, समझे इस चीज की? अब जी तो ये भी फिलहाल ये भी चलता है 2 टीयर 1। हाँ 2 टीयर भी चलता है, अगर छोटा नेटवर्क हो इसके पास, मैं एक बंदे के पास पैसे ही काम में, एक हाँ कंपनी फिर कस्टमर का, उसको मैं फिर ज्यादा डिवाइस थोड़ी लगा के दूंगा, उसका नेटवर्क भाई, एक बंदा उसके पास 20-25 यूजर्स हैं, तो जी, उसको मैं 3 टीयर डिजाइन ही ना दूंगा, उसको मैं छोटा डिजाइन दूंगा, एक बड़ा पर एंटरप्राइजर है उसको मुझे बड़ा डिजाइन देना पड़ेगा, जी ठीक है, हाँ समझे इस चीज की? जी समझ लाइक मैं गए, एक डिजाइन आपके सामने शेयर करता हूँ आपको, जो कि बड़ा एक डिजाइन है, समझे के जी, ये मेरे पास आ गया कोर स्विचेस, मैं बनाता हूँ ये, समझे के आ गए कोर स्विचेस, ठीक है जी, दो कोर आ गए, जी ये आ गए इनका डाटा सेंटर के साथ कनेक्टेड है दोनों, ये क्या अच्छा डाटा सेंटर, ठीक है जी, जी, और यही कोर स्विचेस किसके साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट के साथ, इंटरनेट भी तो देना ना, ठीक हाँ जी है जी, ठीक है, ये हमारे पास एक नेटवर्क, और आपस में इनकी कनेक्टिविटी फुल है, डाउन नहीं कर सकते। आगे हमारे पास क्या आ गई, अब पीछे से इंटरनेट और डेटा सेंटर के साथ सेटअप उनकी हो गए कोर के ऊपर। अब कोर के ऊपर मैं यूजर लगा दूंगा तो फिर तो काम खराब है, तो आगे मुझे कहीं चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर मेरे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, जी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम क्या कनेक्ट करते हैं, वायरलेस कंट्रोलर को,
मेरे पास अगर 200 AP है, मैं कल आपको बता रहा था ना कि मैंने नेटवर्क डिस्कस किया था, जिसके बताया था हमारे पास वायरलेस कंट्रोलर होता है जो कि जी 200 APs को कंट्रोल करता है, तो हाँ जी हाँ जी यहाँ पर वायरलेस कंट्रोलर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है समझे इस चीज की। जी यहाँ पर भी वायरलेस कंट्रोलर एक आ गया, यहाँ पर भी एक वायरलेस कंट्रोलर आ गया, ठीक है जी। और ठीक है ये आए कनेक्टेड है किसके साथ, एक्सेस के साथ, ये एक्सेस के साथ कनेक्ट होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दे दी, समझ आई। जी उसके बाद फिर हमारे क्या आ जाएंगे, इनके आगे कोई वायर्ड यूजर, वायर्ड आ जाएगा, एपी मैंने बताया थे आपको, अगर एपी लगाने हैं एपी आ जाएंगे, वायर्ड यूजर यूजर आ जाएंगे, ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे, समझ जी आई। ये है हमारे पास 3 टियर डिजाइन, ये एक्सेस, यहाँ पर हर चीज अलग अलग से मैनेज की जा रही हाँ जी है, समझ आई इस चीज की। हाँ समझ गई तो ये हमारे पास है डिजाइन टाइप और डिजाइन की चीजें, किस तरह से क्या चीज होगी, किस तरह से क्या चीज नहीं होगी। अच्छा 2 टियर में भी वायरलेस कंट्रोलर हम कर हाँ, रहे वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन पे सब कुछ लग जाता है ना, वहां पर कोर हाँ नहीं होती। 2 टियर में क्या होता है कि इसको बस खत्म कर दें आप। जी और वो होएगा डिस्ट्रीब्यूशन और हाँ जी, एक्सेस मेरे को वहां पर, यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, समझ आई। ये मैं बता रहा हूँ 3 टियर के अंदर। जी 2 टियर में क्या होता है, इसको खत्म कर दें, समझ आई। ये जो हमारे पास है, और इंटरनेट को डायरेक्ट यहाँ पे लगा दें, ये समझे कि इंटरनेट क्या आ गया, ये सारा इंटरनेट पे जा ठीक रहा है, है ठीक है जी। अब जी यहाँ पर कोर नहीं है, सब कुछ यहाँ से मैनेज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या, अगर मैं वायरलेस लैन कंट्रोलर कन्फिगर करने गया हूँ तो गलती से मेरे जी से कोई इंटरनेट की गलत वीलैन डल गई है यहाँ पर, तो मेरा इंटरनेट हाँ बंद हो जी जाएगा। जब इंटरनेट बंद होगा तो आगे जितने एक्सेस हैं वो कनेक्टिविटी से जाएंगे, अच्छा इसलिए हम अलग अलग कर देते हैं कि अब देखें अलग अलग करने का फायदा क्या है। अलग अलग करने का फायदा ये है कि फायदा ये अलग अलग करने का कि मेरा अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो भी है मैं कोर पे देखूंगा, ये जी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या देखूंगा, जो मेरे वायरलेस लैन कंट्रोलर है या मेरा कोई DHCP का सर्वर पड़ा है या कोई और चीजें पड़ी हैं उनको मैं इधर देखूंगा, अगर उनमें कोई मसला आएगा तो मैं अलग लेयर में देखूंगा, और अगर यूजर्स में कोई इशू आ रहा है तो वो मैं एक्सेस में देखूंगा, समझे ठीक है इस चीज की। तो हाँ जी ये था हमारे पास बेसिक्स ऑफ डिजाइन, कि मेरे पास 2 टियर डिजाइन, 3 टियर डिजाइन, एक्सेस कोर स्विचेज, कोर स्विचेज और डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेज, और इसके अलावा हायरार्किकल लैन डिजाइन क्या होता है, उसे किस तरह से क्या, ये किस तरह से डिजाइन किया था, क्या क्यों कौन सा किस तरह से बेहतर है, समझे ठीक इस है चीज। जी समझ गई है।